हे गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं स्पंज रसगुल्ला, जो कि घर में बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो जैसे कि लॉकडाउन है तो हम हर चीज़ बाहर से नहीं ला सकते। मैंने 1 लीटर मिल्क बॉईल करने के लिए रख दिया है और इसमें 2 टेबलस्पून वाइट वाला विनेगर ऐड किया है दूध को फाड़ने के लिए। तो इसको जब भी आप इसमें विनेगर ऐड करेंगे इसको चलाते रहिए। और 1 लीटर दूध में 2 टेबलस्पून विनेगर काफ़ी है। और ये देखिए, धीरे धीरे दूध फटना शुरू हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। इसमें से पानी अलग हो जाएगा, ये देखिए दूध फट चुका है। तो इसको हम एक मलमल के कपड़े में स्ट्रेन कर लेंगे। मैंने इसके नीचे छल्ली लगाई है और इसके ऊपर इसको डाल देंगे। जैसे ही आप इसको स्ट्रेन करेंगे तो इमीडिएट इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे। पानी डालने से क्या होगा, विनेगर का जो फ्लेवर इसमें ऐड हुआ है वो निकल जाएगा और ये प्योर छेना बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है अपने हाथ से इस तरह, और दोबारा से इसमें पानी ऐड कर देंगे थोड़ा सा और इसको स्क्वीज़ कर लेंगे। और इसको हमें ज़्यादा टाइटली स्क्वीज़ नहीं करना है, थोड़ा सा मॉइस्चर इसमें होना चाहिए। और इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र करके इसको कम से कम 5 से 10 मिनट तक हाथों की हेल्प से इस तरह मैश करते रहें जिससे कि ये चिकना हो जाए। और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून अरारोट ऐड किया है। उसके बाद फिर से इसे मैश किया और ये मेरी 13 बॉल्स बनकर रेडी हो गई है। 1 लीटर दूध में 13 रसगुल्ले हमारे बन जाते हैं। और ये मैंने चाशनी बनाई थी 1 कटोरी चीनी और 3 कटोरी पानी की हेल्प से। जब ये प्रॉपर बॉईल पर हो तभी आपको इसमें बॉल्स डालनी हैं। और ये सारी बॉल्स आपने एक साथ नहीं डालनी हैं, एक एक बॉल इसमें ऐड करनी है। अगर आप सारे डाल देंगे तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा इसका और ये बॉल्स फट सकती हैं या टाइट हो सकती हैं। तो इस तरीके से एक एक बॉल को डाल देंगे इसमें और इसे कवर करके मिनिमम 15 से 20 मिनट्स तक हम इनको पकाएंगे। ये देखिए 15 मिनट्स में जस्ट डबल इनका साइज़ हो गया है। और बस 20 मिनट्स बाद इसको ठंडा कर लेंगे और ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही आसानी से बनने वाले रसगुल्ले हैं ये और बहुत सॉफ्ट एंड स्पंजी ये बनकर रेडी होते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने स्पंजी हैं। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनकर रेडी हुए हैं। और इनको बनाने के बाद आप 8 से 10 घंटे बाद ही इन्हें खाइए, इनको फ्रिज में रख दीजिए।